कोरोना वायरस भारत में अपना कहर मचा रहा है। कोरोना के चलते लोग डरे हुए हैं। वहीं इन दिनों भारत के कई राज्यों में ब्लैक फंगस नामक दुर्लभ इन्फेक्शन भी फैल रहा है। यह फंगस इतना खतरनाक है कि व्यक्ति को अगर दो दिन तक इलाज ना मिले तो उसकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है और मरीज की मौत भी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य दरबार और मैं आपके साथ नेहा परिहार। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन यानी म्यूक्रोमाइकोसिस बीमारी का सबसे पहला मामला सामने आया है। दिल्ली के अन्य कई अस्पतालों में भी इसके केस आने शुरू हो चुके हैं, जिसमें कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इस नई समस्या को लेकर लोगों के बीच एक डर पैदा हो गया है। जहाँ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित और ठीक हो रहे हैं, वहीं उन लोगों के लिए यह नई बीमारी खतरा बनकर सामने आ गई है। यह बीमारी तभी अटैक करती है जब व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस नाक, कान और गले ही नहीं, शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचाती है। जहां पहले यह बीमारी कीमोथेरेपी, अनियंत्रित डायबिटीज, ट्रांसप्लांट मरीजों, आईसीयू मरीज और बुजुर्ग लोगों में देखने को मिलती थी, लेकिन कोविड के बाद कोमोर्बिडिटी और ज़्यादा स्टेरॉयड लेने वाले मरीजों में भी ये बीमारी नज़र आने लगी है। लक्षणों की बात करें तो नाक में फंगस जाने से नाक की अंदरूनी दीवारों पर सूखापन आने लगता है। नाक के अंदर काली और भूरे रंग की पपड़ियां जमने लगती हैं। नाक बंद होने लगती है। ऊपर वाले होठों और गालों का सुन्न होना शुरू हो जाता है। आंखें लाल हो जाती हैं और इसके साथ ही सूजन आने लगती है। अगर यह लक्षण दिखे तो डॉक्टरी सलाह जरूर लें। ब्लैक फंगस का कोविड के साथ क्या कनेक्शन? विशेषज्ञों का कहना है कि उनके पास ज़्यादातर मरीज कोविड से ठीक होने के बाद ही आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के मरीज या तो डायबिटिक मरीज हैं या वो स्टेरॉयड ले रहे हैं। इन मरीजों को आँख से धुंधला दिख रहा है। फंगस के चलते आँखों पर सूजन आ जाती है। एक दो दिन में आँखों की रोशनी कम हो जाती है। ज़्यादातर मरीज तो अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। शरीर पर कैसे हमला करती है फंगस? विशेषज्ञों के मुताबिक इस बीमारी में मृत्यु दर 50% है। हालांकि ये बीमारी छुआछूत नहीं है, लेकिन यह फंगस हवा में रहता है। ये फंगस आपकी नाक के रास्ते बलगम से मिलकर आपकी नाक की चमड़ी में चला जाता है। इसके बाद ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती हुई सब कुछ खराब करते हुए दिमाग तक चली जाती है। ब्लैक फंगस का किसे अधिक खतरा? कोविड संक्रमण के कारण इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। डायबिटीज से पीड़ित कोरोना के मरीजों को स्टेरॉयड दिया जाता है। ऐसे मरीजों में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन का जोखिम अधिक रहता है। इसके अलावा कोविड से संक्रमित वीक इम्यूनिटी वाले मरीजों में भी इस बीमारी का जोखिम है। अगर लंबे समय तक इसका इलाज ना हो तो यह खतरनाक हो सकता है। संक्रमण ठीक कैसे हो सकता है? ब्लैक फंगस के इलाज के लिए स्ट्रॉन्ग एंटी फंगस दवाएं देनी पड़ती हैं। अगर दवाई से ठीक हो जाता है तो सही है, नहीं तो शरीर के उस हिस्से को काटना पड़ता है, क्योंकि वो हिस्सा गैंग्रीन जैसा हो जाता है जिसके पीछे फंगस छिपा होता है और शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचने लगता है। इसका इलाज काफ़ी महंगा होता है। तो आज हमने आपको बताया कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे आप इससे बच सकते हैं और इसके क्या लक्षण हैं। ऐसी ही और स्वास्थ्य की रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।